मेरा हाथ फेंक के उसी में मर गए, मेरा हाथ फेंक के उसी में मर लोगे, ये बच्चा मेरा मर जाएगा सर, इनको ये कीजिए सर। दहाड़े मार कर रो रही ये महिला और बच्चे का रिश्ता माँ और बेटे का है, जो जिंदगी के सबसे कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, जहां रहने को न छत है न खाने को रोटी है। उसके इस हाल को सुनने वाले मुलाजिम भी हरकत में नहीं आ रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर ये माँ बेटे राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने अपनी लाचारगी का इजहार और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने पंगा पुलिस वालों और समाज के उन झंडा बरदार और दबंग तत्वों से ही ले लिया, जो इनकी जिंदगी को नासूर बनाकर जीना मुश्किल कर दिया है, जिसमें यह बच्चा भी उम्र से पहले ही दुनिया की तल्ख हकीकत को समझ गया है। रामगढ़ में हम लोग को मारा पीटा करा जा रहा और मम्मी को चप्पल चप्पल मारा गया है, और मम्मी हम लोग को जब मम्मी डीसी ऑफिस से ये लिखा के आ रही थी तो मम्मी को पकड़ा गया था कि आप मोबाइल चोरी की हैं, तो फिर हम लोग बहुत लाज जूता खा के फिर हम लोग कितना बोले कि हम लोग नहीं चुराए, फिर हम लोग रूम चेक इन हुआ 100 आदमी के सामने, तो फिर वो नहीं लिखा ना मोबाइल, और हम लोग मोबाइल और ये क्या बोलते सोना के चेन सब छीन लिया है। यहाँ पर किसने पैसा मांगा? यहाँ पर जो हाथ टूटा हुआ तो हम लोग को बोले कि 500 रुपए दीजिए, तो वो लोग बोले कि आप DGP से आप बैठ के जिएगा तो आप 500 रुपए दीजिए, उसके बाद हम लोग रसीद काट के देंगे, तो हम लोग 100 रुपए दिया, फिर हम लोग खाए समोसा। हटिया स्टेशन में हम लोग कटोरी लेके बच्चा भीख में पेट दर्द। रामगढ़ थाना प्रभारी ने तो खाकी का ऐसा रोब दिखाया कि ये बच्चे के साथ भागी भागी फिर रही है, जहां जिंदगी की जंग खुद और बच्चे को बचाने की है। यह विधवा महिला इंसाफ की आखिरी आस लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी DGP साहब से अपना आवेदन देने के लिए आई, तो यहां तैनात सिपाही ने एप्लीकेशन रिसीविंग के लिए 500 रुपए का घूस मांग लिया। यानी एक आम इंसान को डगडग पर किस तरह बनाएगा सिस्टम चुनौती देता है और पग पग पर किस तरह पैसे की जरूरत महसूस होती है। आइए अब इस बेसहारा लाचार और अपमानित महिला की दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। से सदर हॉस्पिटल का सामने से आया हूँ सर, मैं बीमारी आदमी, मुझे वो रखा गया था, लेकिन मुझे वो नौकरी मिलने पर रात में लड़की लोग को लेके आके बेसिया भर्ति किया जाता है और कुछ सामान रखा जाता है, गांजा अफीम सब, वही सब मैंने बोला बोल के मुझे रामगढ़ का थाना बाबू लंगटा चलाया है। मुझे SP ऑफिस से 50 मीटर से दूरी से मुर्जे सब छीन लिया गया है सर, और हम लोग डर के मारे अस्त लगाए, फिर थाना गए तो हम लोग को कैद कर लिया गया था, और DGP ऑफिस आए हैं 20 बार हम लोग रिटर्न हुए सर, मुझे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है सर। कौन लोग धमकी दे रहे हैं सर? वही पर ये ऑफिस में भी धमकी दे रहा है कि छोड़ के चले जाओ, रिसीव कागज खाली कर रखे वहाँ पर सर, जो रौनक बानो और वहाँ का जो मैं वही लोग सब छीना है। कौन है? कौन है सर? वो आश्रम में रहने के लिए आया था, उसका पैर हाथ टूटा था, वही लोग सब मारपीट करके सोना जन छीन लिया, और जो वहाँ का कार्यकर्ता मैनेजर है ना राजेश कुमार और विकास कुंदन और पंकज 302 में बैठता है, मुझे वहाँ नौकरी आया है, लेकिन उन लोग का खराब काम बंद नहीं हो पा रहा है, मुझे मैं ताला मार दे रहा हूँ। पर आश्रम में लड़की लेकर कौन आता था? गांजा जो रखने का आरोप है, कौन लोग? और सोनी सिंह पांडे कोर्ट में काम करता है पीएन का, मेरा मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड करके मैंने सिविल कोर्ट और डालसा कोर्ट में भी सबको दिखाया है, CGM कोर्ट में भी जाके सबको दिखाया है, और इसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया और मेरा सोना का चैन था, 9 बजे तक रात तक मुझे घर के सब छीन लिया गया है, और 20 तारीख को जब मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया मैंने खोला तो मुझे मारपीट किया, तब से हम लोग बाहर आ गए हैं, मेरा अभी भी 20,000 का जो सर्कस में लॉटरी दुकान लगता था वो सामान भी उसी का अंदर ताला मार के आए हैं सर। सर हम लोग DGP ऑफिस आ रहे हैं लेकिन घड़ी घड़ी हम लोग को भगा दिया जा रहा है सर, ये बच्चा मरने बाद ये बच्चा अनाथ हो जाएगा, मैं हर एक हॉस्पिटल में भर्ती होता हूँ, मुझे बेहोशी आ जाता है सर, मैं अभी सदर अस्पताल में भर्ती थी परसों, उसका आगे CGM में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर भर्ती हो रहा है। पर थी पुलिस मुख्यालय यहाँ क्या बोला? पुलिस आज रिसीव लिया है, फिर बोल रहा है कि 10 दिन बाद आई और पैसा का मांग किया जा रहा है, किसी द्वारा पैसा मांग सर, जो हाथ टूटा हुआ वो 500 रुपया मुझसे मांगे कि आप देने से आपको अंदर आना, लेकिन मुझे खाने का पैसा नहीं है, तो गुलदस्ता गाड़ी खड़ा था वो 100 रुपया देने से हम लोग कुछ खाए, हाँ 500 रुपया जिनका हाथ टूटा है ना वो। क्या नाम था उनका? उसका नाम नहीं मालूम है, उनका खाली हाथ टूटा जो रिसीविंग लिए है।
अभी आके मेरे से मांग किया था तो हम लोग खा के आए। चेहरे पर आंसू लेकर राजधानी रांची आई ये विधवा महिला रामगढ़ में एक आश्रम में रहती थी। वहीं पर उसे काम जिलाधिकारी के आदेश पर नगर परिषद के अधीन आश्रम में ही दिया गया, लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि आश्रम में लड़कियों को लाकर वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जाता था, जिसका वह विरोध किया करती थी। उसकी इसी मुखालफत और बगावत से उसके जान पर आफत और जीवन में भूचाल ला दिया। 18 और 19 मई को आश्रम के मैनेजर, थाने के SI समेत 7 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। रामगढ़ थाना प्रभारी ने भी इसके साथ बदसुलूकी और बुरा सलूक किया। यह बीमार महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। उसे आखिरी उम्मीद झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय कुमार सिंह से है। इस महिला की कहानी और उसके पीछे का दर्द, झारखंड के पुलिस व्यवस्था का क्या हाल है, इसके साथ ही कानून किस तरह काम कर रहा है और इसकी रखवाली करने वाली पुलिस कितनी जिम्मेदार है, उसकी तस्दीक करवाती है।